सांभर बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा कप चने की दाल, खोपरा, 500 ग्राम लौकी, दो बड़े टमाटर, खट्टा दही, धनिया, सूजी और तुअर की दाल। सांभर बनाने के लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे तुअर की दाल में नमक। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे हम। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हम इसमें अब ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें मिर्ची हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें अब ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करेंगे, पानी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले से तुअर की दाल भिगो के रखी थी। पानी ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर। अब 2 बड़े गिलास मैंने ये पानी लिया है। हम इसमें ऐड करेंगे लौकी 500 ग्राम जो हमने चॉप करके रखी हुई थी, ज़्यादा बारीक नहीं चॉप करें उसको। 2 बड़े टमाटर ऐड करेंगे हम उसके अंदर जो हमने चॉप करके रखे हुए थे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें हम 3 से 4 सीटी लगा के रख देंगे ताकि हमारा जो है सांभर पक जाए। अब हम अपना इडली का पेस्ट बना लेंगे। इडली का पेस्ट बनाने के लिए ये हम सूजी में ऐड करेंगे नमक, कि हमने सूजी लिए 500 ग्राम। इसमें हम नमक अच्छे से ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करें इसको। हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही जो है वो हमारा खट्टा दही है, तो हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे दही और उसको मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या है, इसमें लम्सेस नहीं बनेंगे। अगर हम एक साथ यूज़ करेंगे, दही एक साथ डालेंगे, तो इसमें लम्सेस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्लोली करके दही ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें उसको। तो हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे। पानी भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे। अगर एक साथ हम पानी डालेंगे तो हमारा जो बैटर जो है वो पतला हो सकता है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी देखते हुए हम उसमें पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। लम्सेस नहीं बने इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, लम्सेस बने तो हमारी जो इडली है वो अच्छी नहीं बनेगी। ऐड करते जाएँ पानी और मिक्स करते जाएँ। मिक्स इट वेल। जो हमारा बैटर है वो रेडी होने वाला है। इसमें हम क्या है, सारा पानी डाल देंगे। हमारा बैटर देखिए, अब इसकी हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। इसमें अभी हमें और पानी की ज़रूरत है क्योंकि हमारा बैटर जो है वो अभी बना नहीं है जैसा हमें चाहिए, तो हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें। हमारी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है। ये देखिए बहुत स्मूथ हमारा बैटर बना है। अब हम ये बना लेंगे अपनी चटनी। तो हमने चने की दाल 1-2 घंटे पहले से भिगो के रखी थी। हम इसको ऐड करेंगे मिक्सर में। इसमें डालेंगे खोपरा। खोपरे की जगह आप नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा टेस्ट आएगा। हम खोपरा और नारियल का पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट रेडी है। हम इसमें बघार देंगे। बघार देने के लिए हम इसमें डालेंगे राई। हम 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा। इसमें अब हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। हमारा जो है तेल जो है वो बहुत गर्म हो गया है, तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे खड़ी लाल मिर्च, ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे टेस्ट हमारा बहुत अच्छा आता है चटनी का। याद रखें हमने अभी तक नमक नहीं डाला है, तो नमक क्या है हम एंड में डालेंगे बिल्कुल बघार लगाने के बाद। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार ऐड करें। इसमें नमक ऐड करेंगे अब हम। ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, देख लेते हैं। हम इसको और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम अपना इडली के बैटर में देखते हैं। उसमें हम डालेंगे ये सोडा। सोडा डालना ज़रूरी है जब हम बिल्कुल इडली बनाने के लिए रेडी हों, तब हम उसमें सोडा डालेंगे। इससे हमारी इडली बहुत अच्छी फूली हुई बनेगी।
तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा बैटर हो गया है। अब हम लेंगे इडली का सांचा, ये मार्केट में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। हम इसमें लगाएंगे ऑयल, ऑयल इसलिए ताकि हमारा जो इडली है वो चिपके ना उसमें। तो हमने सब में ऑयल लगा लिया है और अब ध्यान रखें हम 2 टेबल स्पून ही इसमें डालें, इससे ज़्यादा डालेंगे तो फूलेगी तो बाहर निकलेगी। तो बस 2 टेबल स्पून इसको डालें, इसी तरह से हम सबको डालेंगे, इसी तरह से हम पूरा मसाले में मिक्स कर रखेंगे। 2 टेबल स्पून डालना है और हम इसको बनाने के लिए रख देंगे। इसमें हमने पहले से पानी ले लिया है और हम पानी गर्म था मेरा, अब डायरेक्ट इसको अपन गैस पे रख देंगे लो फ्लेम पे। जब पानी थोड़ा उबलने लगेगा तो हम गैस तेज़ कर लेंगे। अब हम अपना सांभर देख लेते हैं, सांभर में 4 सीटियाँ हो गई हैं तो हम सांभर चेक कर लेते हैं हमारा सांभर कैसा है। देखिए सांभर का कलर कितना अच्छा आया है। तो हम सांभर में डालेंगे सांभर मसाला, क्योंकि हमारा 500 ग्राम दाल है तो हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून सांभर मसाला डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें अब इसको, ध्यान रहे लम्सेस नहीं बने, अगर लम्सेस बन गए तो फिर वो मुंह में आएंगे। उसमें पानी डालेंगे हम, अब हम अपने इडली चेक कर लेते हैं। तो हमारी इडली को है 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो हमारी जो है इडली बन गई है, वो बहुत अच्छी फूली है और बाहर भी नहीं निकली। देखिए हम चेक कर लेते हैं, ये हमारी इडली जो है पक चुकी है। हम सांभर में बघार लगाएंगे, इसके लिए हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज डाल के चेक करते हैं हमारा ऑयल हुआ या नहीं हुआ। हमारा ऑयल हो गया है तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से पकाएं, हम सारा प्याज डाल देंगे इसके अंदर। अब इसमें हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, जीरा और राई, अच्छी तरह से पकाएं इन्हें। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालनी तो आप नहीं डालें। हमारा बघार जो है वो हो गया है तो हम इसको सांभर में डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे सांभर का। ये हमारी इडली भी कितनी अच्छी बनी है, परफेक्ट। हम इसके अंदर सांभर डालेंगे, अब डेकोरेट करेंगे अपने इडली सांभर को। हम इसमें धनिया डालेंगे, धनिया ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। हम चटनी डालेंगे इसके अंदर, ये देखिए हमारी जो इडली है बहुत सॉफ्ट बनी है, हमारी इडली बहुत अच्छी बनी है, ये देखें।